फ्रेंड्स, आज हम इंस्टेंट उपमा मिक्स यानी इंस्टेंट कप्पा उपमा मिक्स बनाएंगे और इसी रेसिपी से आप रवा इडली भी बना सकते हैं और अप्पम भी बना सकते हैं सूजी के। ये बहुत ही यम्मी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। जब आप सफ़र कर रहे होते हैं इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर भी, तो आपको खाने पीने की बड़ी ही प्रॉब्लम होती है, तो ये बच्चों के साथ में जब सफ़र कर रहे होते हैं तो स्पेशली हेल्दी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं, तो ये रेसिपी बहुत ही यम्मी और हेल्दी रेसिपी है। इसमें आप गर्म पानी मिक्स करके कभी भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना इंस्टेंट उपमा मिक्स। और एक पैन गरम करने के लिए रखा है मैंने इसके अंदर, और उसमें 5 से 6 चम्मच जितना मेल्टेड घी डाला है। आप घी की जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी का स्वाद बहुत अच्छा आता है उपमा के अंदर। अब हमारा यहाँ पर घी गरम हो चुका है, तो इसके अंदर मैंने 1 बड़ा चम्मच जितना राई डाली है यानी मस्टर्ड सीड्स डाले हैं, और राई के तड़कने के बाद मैंने इसके अंदर 1 छोटा चम्मच जितना जीरा डाला है। जीरा डालने के बाद मैंने 4 से 5 चम्मच जितनी मूंगफली डाली है इसके अंदर, और 5 से 7 काजू को मैंने काट कर इसके अंदर डाला है, और यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच जितना उड़द की दाल डाली है इसके अंदर, और 1/2 चम्मच जितना मैंने चने की दाल डाली है। आप चाहें तो दालों को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर 15-20 करी लीव्स को मैंने साफ कर डाला है इसके अंदर, और यहाँ पर 5-6 हरी मिर्चों को मैंने काट कर डाला है। आप चाहें तो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो, और हरी मिर्च को कम भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हम सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मैंने यहाँ पर आँच को हल्का सा तेज कर दिया है। अब इन्हें हल्की तेज आँच पर इन्हें भूनेंगे ताकि ये ब्राउन हो जाएं। और यहाँ पर मैंने धनिया पत्ती को काट कर डाला है इसके अंदर, और धनिया पत्ती डालने के बाद ये हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे, और ये हमारी मूंगफली और काजू जो हैं वो हल्के ब्राउन होने लगे हैं। तो अब हम इन्हें चलाते रहेंगे लगातार, और इसके अंदर फिर हम सूजी मिक्स करेंगे, और सूजी को मिक्स करने के बाद हम उसे रोस्ट करेंगे। ये उपमा मिक्स जो बना रहे हैं आप, इसे रवा इडली भी बना सकते हैं और अप्पम भी बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 2 कप फाइन सूजी डाली है। आप सूजी की जगह रवा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी मोटी सूजी जो आती है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और आपको रवा इडली बनाने के लिए इस मिक्स से उसके अंदर दही और पानी की मात्रा डालनी होगी, और उसके अंदर सोडे का इस्तेमाल करना होगा, तो वो रवा इडली भी बन जाएगी। और अप्पम बनाने के लिए भी उसी तरीके से आपको सोडे का इस्तेमाल करना होगा दही डालने के बाद, तो आप अप्पम भी बना सकते हैं। तो आप एक जो ये रेसिपी है इससे आप 2-3 रेसिपी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने नमक डाला है स्वाद के अनुसार, और सूजी को मैंने मीडियम फ्लेम पर भुना है ताकि सूजी का कच्चापन भी निकल जाए, और आँच को हमें तेज नहीं करना है और लगातार चलाते हुए सूजी को भुनना है, नहीं तो सूजी भी नीचे से जल जाएगी। और ये देखिए, हमारी सूजी अच्छे से रोस्ट हो गई है और हल्का सा गोल्डन सा कलर आने लगा है इसके ऊपर। हमें इसको ब्राउन नहीं करना है, तो अब गैस को मैंने बंद कर दिया है और इसको ठंडा होने देंगे इसी के अंदर। और ये देखिए, हमारा इंस्टेंट उपमा मिक्स बनकर तैयार हो गया है, और ये बहुत ही झटपट बन जाने वाली एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। वर्किंग वुमेन्स भी इसको बनाकर रख सकती है महीनों तक एयरटाइट कंटेनर के अंदर, और इसमें सिर्फ गर्म पानी मिलाना होता है, तो ये सुबह का एक बहुत ही हेल्दी नाश्ता जो है वो फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। आप अगर वर्किंग वुमेन हैं और अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो ये बहुत हेल्दी रेसिपी है। तो आप भी बनाइए ये रेसिपी, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी लगी आपको ये रेसिपी। मिलते हैं हम अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।